आप देख रहे हैं सिटी केबल नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल और इस समय बड़ी खबर आ रही है मथुरा के विकास बाजार से, जहां पे मथुरा के विकास बाजार स्थित जुबली पार्क में वर्षों से मंगल बाजार लगाया जाता रहा है। और आज आप जानते हैं जैसा कि मंगल है तो मंगलवार के दिन मंगल बाजार लगाया जा रहा था, लेकिन वहां पर पुलिस ने पहुंच करके मंगल बाजार को उठवा दिया है। वहां पे हमारे संवाददाता बने हुए हैं लक्की ठाकुर, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात है, कौन कौन अधिकारी वहां पे पहुंचे और किस तरह से उनको हटाया गया है, साथ ही उनके हटाए जाने को लेकर के जो व्यापारी हैं वहां पे दुकानें लगाते हैं उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आ रही है। लक्की बताएं क्या है सारा मामला। योगेश जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये बाजार है एक वीकली बाजार के रूप में लगाया जाता था, हफ्ते में एक बार मंगल बाजार के नाम से ये प्रसिद्ध है मथुरा में, और ये काफी वर्षों से बाजार लगा चला आ रहा है। ये पहले जो जगह लगाया जाता था ये बाजार जो है नगर निगम की जो जगह है जुबली पार्क के नाम से, उस जगह पर लगाया जाता था। लेकिन अभी फिलहाल में अभी नगर निगम ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें पास भी हो गया था बोर्ड में मल्टी पार्किंग का, क्योंकि यहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं थी कहीं पे। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी द्वारा उसका शिलान्यास किया गया। तो अब जब से उसका शिलान्यास हुआ है तो अभी बनने का प्रोजेक्ट तैयार तो हुआ है लेकिन अभी बन नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ठेकेदार का कहना यह है कि यहाँ पे नगर निगम का कहना यह है कि नगर निगम ने वो ठेका रद्द कर दिया जो ठेका उठाती थी इस बाजार का, जिस ठेकेदार को दिया गया, लेकिन ठेकेदार कह रहा है कि मुझे अभी पैसे नहीं दिए गए हैं वापस। तो उसको लेकर के कौन कौन अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं जिन्होंने यहां से दुकानदारों को हटवाया है? अभी जो बाजार को हटवाया गया है वो पुलिस के द्वारा हटवाया गया है, क्षेत्रीय मतलब थाना कोतवाली प्रभारी तोमर जी के द्वारा इस बाजार को, जो रोड पर बाजार लग रहा था, क्योंकि जो व्यापारी है वो छोटा किस्म का व्यापारी है, वो कोई दिल्ली से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई मतलब सभी जगह जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जो छोटा व्यापार करते हैं वो आके फुटपाथ पे ही अपना व्यापार करते हैं, बिजली बाजार लगाते हैं। तो इस समय जो यातायात की व्यवस्था है उनको देखते हुए तो थाना प्रभारी द्वारा इसको हटवाया गया है। तो इसको हटवाने के बाद जब पुलिस द्वारा इस बाजार को हटवाया गया है तो उसके बाद जो व्यापारी है जो मंगल बाजार में अपनी दुकानें लगाते हैं उनके द्वारा किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? उनकी प्रक्रिया आक्रोश है उनके अंदर कि हम कहाँ जाएं इस समय, क्योंकि वो बिजली बाजार बोले हमारा तो यही रोजगार है, यही आते थे बरसों से, हम लगाते चले आए हैं, अब फिलहाल की रेट में हम कहाँ जाएं, कहाँ लगाएं बाजार। तो काफी कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक गुस्सा है और नारेबाजी कर रहे हैं, नगर निगम के खिलाफ भी नारेबाजी उन्होंने की है। तो इस तरह इस घटना में नगर निगम का कोई कर्मचारी या अधिकारी सामने आया है? नहीं, अभी मैंने संपर्क करने की कोशिश की, फोन करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हम बने हुए हैं इस खबर पे। मैं अभी और संपर्क करने की कोशिश करता हूँ नगर आयुक्त से, या संयुक्त नगर आयुक्त हैं अजीत सिंह जी, उनसे ही बातला करूंगा कि क्या मामला है पूरा, क्या प्रक्रिया है इसमें, या इनको दूसरी जगह दी जाएगी या यही जगह रहेगी, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है लगी, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पे, हम अपने दर्शकों को आगे इस खबर पे अपडेट देते रहेंगे। आप अभी हमारे संवाददाता थे लकी, जिन्होंने घटनाक्रम की जानकारी दी कि किस तरह से जो वर्षों से लगा चला आ रहा है मंगल बाजार उसको कोतवाली प्रभारी के निर्देशन में पुलिस बल द्वारा हटा दिया गया है, इसके एवज में वहां दुकान लगाने वाले जो व्यापारी हैं वो किस तरह से आक्रोशित हैं और नगर निगम और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनमें आक्रोश भरा हुआ है। और उनका कहना है कि किस तरह से अगर इस तरह से मंगल बाजार हटा दिया जाएगा तो वर्षों से उनका रोजगार चला आ रहा है वो उनसे छीन लिया जाएगा। इस संबंध में आगे की क्या प्रक्रिया रहती है हम नजर बनाए रखेंगे, आप देखते रहिए मथुरा हलचल चैनल।